सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट वंस अगेन बायनोमियल थ्योरम। आज हम बायनोमियल थ्योरम के अंदर एक नए सेगमेंट को देखेंगे जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म और समटाइम्स इट इज रिटन एज इंडिपेंडेंट टर्म या कभी कभी इसको लिखा हुआ होता है नो टर्म ऑफ एक्स। तो ये तीनों बात तो एक ही है, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म और नो टर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से एक हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं डियर, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ऑल ऑफ यू नो द होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर। सो लुक एट दिस, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये फ्री फ्रॉम एक्स है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या नो टर्म ऑफ एक्स, या उसको आपने कॉन्स्टेंट टर्म बोला। तो ये आपने एक्सपेंड किया तो ये अपने को ये कॉन्स्टेंट टर्म दिख गया। दिस इज वॉट कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कॉन्स्टेंट टर्म टू है और ये सेकेंड टर्म पे आ रहा है, ठीक है। या इसको आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या आप इसको, मैंने बोला नो टर्म ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है। सो दिस इज वॉट वी हैव टू सर्च, यही हमें अब ढूंढना है किसी भी बायनोमियल से कि कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होगी और किस में टर्म में आएगी वो, ठीक है, या इंडिपेंडेंट टर्म, या कह लो आप नो टर्म ऑफ एक्स, करेक्ट। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई लेट्स से एक्स टू द पावर फोर आपने लिया। इसका अगर आपने होल क्यू या होल स्क्वायर ब्रेक किया, वापस देख लो, तो ये ए स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर प्लस टू ए बी, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का स्क्वायर। बट यहाँ पे आप देखो, सिंप्लीफाई करोगे तो देर इज़ नो टर्म ऑफ फ्री टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो कोई इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक एक्सपेंशन में आपको कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अब किसी भी बायनोमियल का अगर पावर दो से तीन से ज़्यादा है तो कैसे कॉन्स्टेंट टर्म निकालने हैं, ये अब हम इसमें सीखेंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी होगी, जैसे आपने कोफिशेंट निकाला था उसी तरह यहाँ पे भी हम टी आर प्लस वन टर्म निकालेंगे और एक्स के पावर को एक जगह एक्युमुलेट करेंगे और उसके पावर को अगर हम जीरो कर दें तो वहाँ से अपने को आर निकल आएगा एंड देन वी कैन गेट द कॉन्स्टेंट टर्म। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ एंटर करते हैं, कोई नया थ्योरम नहीं है इसके अंदर, जस्ट एक मेथडोलॉजी है। जैसे कोफिशियंट किया है वैसे ही कॉन्स्टेंट टर्म भी निकाला जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर होल टू द पावर 9, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज योर्स 4.3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका फर्स्ट हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें हमें कांस्टेंट टर्म या फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म, हमें फाइंड द कांस्टेंट टर्म पता करना है। कांस्टेंट टर्म, टर्म पता लगेगा तो उसकी वैल्यू भी पता लग जाएगी। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, इन द गिवन एक्सपेंशन, गिवन एक्सपेंशन, ठीक है। कांस्टेंट टर्म पता करना है इसमें, या इंडिपेंडेंट टर्म कह लीजिए या नो टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें वापस हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन में टी आर प्लस वन, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म में एक्स नहीं आएगा, तो हमें फिर से टी आर प्लस वन कैलकुलेट करना होगा। तो वो हमें पता है 9 CR, करेक्ट, 9 CR, एक्स यानी 2x है, टू द पावर 9 माइनस आर, वाई यहाँ क्या है 1/3x² टू द पावर आर। ये अपने
टी आर प्लस वन एक टर्म लिखा। अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट करना। तो ये तो टू का पावर सेपरेट कर लिया, नाइन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर नाइन माइनस आर इंटू वन अपॉन थ्री टू दी पावर आर इंटू एक्स टू दी पावर टू आर। क्यों, पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब फाइनली एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, नाइन सी आर टू टू दी पावर नाइन माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर नाइन माइनस आर, और ये टू आर ऊपर आ गया तो माइनस टू आर इंटू वन अपॉन थ्री टू दी पावर आर। ठीक है, तो हमने एक्स के पावर को एक जगह एक्युमुलेट कर लिया, दिस इज द पावर ऑफ एक्स, नाइन माइनस थ्री आर आ गया। सो अब हमें क्या करना है, इस पावर को, इसके पावर को इक्वल टू जीरो कर देंगे, तभी तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा। सो फॉर कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म कह लीजिए, व्हाट वी हैव टू डू, ये नाइन माइनस थ्री आर को इक्वल टू जीरो करना होगा। आपने कोफिशेंट में क्या देखा था, जो भी क्वेश्चन में कोफिशेंट होता था एक्स टू दी पावर, उसको आप इक्वल करके आर निकालते थे, बट कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म में इस पावर को इक्वल टू जीरो करना है। तो अपने को थ्री आर इक्वल्स टू नाइन मिला एंड देयरफॉर आर इक्वल्स टू थ्री आ गया। दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट टर्म होगा, यानी फोर्थ टर्म में देर इज नो एक्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होती है। इसने लिखा है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म, टर्म तो मिलेगा ही, फोर्थ टर्म कांस्टेंट टर्म होगी, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आर की वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लुक एट दिस, देयरफॉर यू कैन राइट, थ्री आ गया आर, तो टी फोर फोर्थ टर्म इज द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स वैल्यू इज, यहाँ पे डाल देंगे नाइन सी आर की जगह क्या डाला आपने, थ्री टू टू दी पावर नाइन माइनस थ्री इंटू वन अपॉन थ्री टू दी पावर थ्री। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप आर की वैल्यू थ्री डालोगे तो ये जीरो ही होगा। ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करना आता है, अपने एन सी आर का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, एन सी आर फिर से फॉर्मूला लिख लिया जाए, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये अपना एन सी आर का फॉर्मूला हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कीजिए, फैक्टोरियल नाइन फैक्टोरियल थ्री इंटू नाइन माइनस थ्री फैक्टोरियल सिक्स, ये आ गया डेढ़ टू टू दी पावर सिक्स, ये आ गया वन अपॉन थ्री टू दी पावर थ्री। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स पे रोक दीजिए, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल सिक्स है हमारे पास, थ्री इंटू टू इंटू वन और ये फैक्टोरियल सिक्स इंटू ये टू टू दी पावर सिक्स है अपॉन थ्री टू दी पावर थ्री। सो ये फैक्टोरियल सिक्स कैंसिल। ठीक है, थ्री थ्री ये गया, टू फोर ये गया, सो अपने पास जो प्रोडक्ट रह रहा है दैट इज थ्री फोर ट्वेल्व सेवन एटी फोर इंटू टू टू दी पावर सिक्स अपॉन थ्री टू दी पावर थ्री। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इसको पूरे इंटू वगैरह करने के बाद यू विल गेट 1792 अपॉन 9। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट टर्म होगा जो फोर्थ टर्म में मिलेगा, मीन्स इस टर्म के साथ कोई एक्स मल्टीप्लाइड नहीं होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो आई थिंक आप ये प्रॉब्लम को समझ में आया, कैसे कैसे बढ़ना है, हमें क्या चाहिए था, कांस्टेंट टर्म या कह लीजिए इंडिपेंडेंट टर्म या और इंडिपेंडेंट टर्म बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स मीन्स देर इज नो एक्स,
तो आपने सबसे पहले टी आर प्लस वन कैलकुलेट किया, एन सी आर, एक्स अपना 2x है, वाई 1/3 x² है, एक्स टू द पावर एन माइनस आर, वाई इज 1/3 x² टू द पावर आर। फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का, वो भी हमेशा याद रखना अपने को, टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। एक्स हमारा 2x है और वाई 1/3 x². फिर हमने x के पावर को एक जगह कलेक्ट किया, 1/3 टू द पावर x टू द पावर 2r, फिर 2r ऊपर गया तो ये 9 माइनस आर माइनस 2r, ठीक है। अब फॉर कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने क्या बोला कि जो x की पावर है ये जीरो होनी चाहिए, तभी तो देर इज नो x मिलेगा। x की पावर यहाँ जीरो हो जाए तो इस टर्म में कोई x नहीं होगी, इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म के लिए 9 - 3r को जीरो से इक्वेट किया गया। यहाँ से अपने को r इक्वल्स टू 3 मिल गई। ये r इक्वल्स टू 3 अपने को क्या बताया कि जो फोर्थ टर्म है, r 3+1 डालोगे तो फोर्थ टर्म इज द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू इज, जहाँ जहाँ इस वैल्यू में r दी हुई है वो r की वैल्यू पुट कर दिया आपने, एन सी 3 टू टू द पावर n माइनस 3 1/3 टू द पावर 3, एंड देन आपने इसको सिंप्लीफाई किया एंड दैट इज द आंसर 1792/9, करेक्ट। तो डियर कांस्टेंट टर्म आप ऐसे ही निकालते हैं, या इसको आप इंडिपेंडेंट टर्म बोलिए, इंडिपेंडेंट टर्म, फाइन। आइए डियर, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी कांस्टेंट टर्म ही निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन इज एक्स माइनस 2/x² होल टू द पावर 15। इसमें हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू। कांस्टेंट टर्म बोला तो उसकी वैल्यू के साथ पूछा गया है, या आप इंडिपेंडेंट टर्म बोल दीजिए। सो सेम सिचुएशन, आप पहले टी आर प्लस वन लेंगे, बिकॉज हमें वो टर्म तो पता नहीं है तो टी आर प्लस वन ही ओपन करना होगा। सो 15 सी आर एन सी आर एक्स, तो एक्स है 15 माइनस आर एन माइनस आर, वाई हमारा माइनस 2/x² टू द पावर आर। कौन से फॉर्मूला से? बार बार मैं लिखूंगा सो दैट आपको याद होता रहेगा। टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। दिस इज व्हाट जनरल टर्म या आर प्लस वन टर्म बोलते हैं आप इसको। इसको अकॉर्डिंग ये अपने को ब्रेक किया, एन इज 15, एक्स इज एक्स, वाई इज माइनस 2/x². नाउ द सेकेंड स्टेप में अब पावर ऑफ एक्स एक जगह कलेक्ट होगा, ये x टू द पावर 15 माइनस आर है इंटू ये आ गया माइनस 2 टू द पावर आर, या माइनस 1 टू द पावर आर लिख लीजिए, जैसे लिखना चाहते हैं, और ये x टू द पावर 2r। फिर फाइनली x के पावर को एक जगह कलेक्ट कीजिए, 15 सी आर एक्स टू द पावर 15 माइनस आर माइनस 2r, ये 2r ऊपर गया और ये माइनस 2 पे होल टू द पावर आर। सो नाउ अब ये पावर एक्स का पावर ये कलेक्ट हो गया डियर, 15 माइनस 3r, इसको कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0। फॉर कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म लिख लीजिए। फॉर कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 15 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। So 15 minus 3r should be equal to 0. So from here we will get r equals to 5. यहाँ से हम r क्या निकाल सकते हैं dear? 5. r 5 होने से ये confirm हो गया कि sixth term is the constant term या independent term कह सकते हो. Therefore t6 or sixth term
टी सिक्स या सिक्स्थ टर्म इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म कह सकते हो, कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ टी सिक्स मत लिखिए, इक्वल्स टू लिखिए, वैल्यू हम बता रहे हैं क्योंकि अपने सिक्स टर्म तो बोल ही दिया टी सिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ जहाँ आर होगी वहाँ पे आप फाइव डाल देंगे, फिफ्टीन सी फाइव, एक्स के पावर पे तो फाइव डालना नहीं है क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, तो अपने पास क्या रह गया माइनस टू होल टू द पावर सिक्स, ठीक है, फिफ्टीन सी टू द पावर फाइव, माइनस टू टू द पावर आर है ना, सिक्स क्यों लिखा मैंने, आर है, आर दिस इज आर, सो फिर से लिख देता हूं, दिस इज आर डियर, तो ये आर है, यहां पे आर की वैल्यू क्या डालेंगे फाइव, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई की जाए, फिफ्टीन सी फाइव इन दिस, सो लुक एट दिस, फिर से एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 5 और 15 माइनस 5 फैक्टोरियल 10 इंटू माइनस 2 का होल 5 क्या होगा माइनस 32, ऑड पावर है, ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया, एनसीआर फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, इस फॉर्मूले के हेल्प से वी हैव एक्सपेंडेड 15C5 को मैंने ब्रेक किया, वैल्यू देख लो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे आप 5 को ब्रेक कर लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल और ये है माइनस 32, दिस गेट कैंसल, और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 15 आ गया, ये फिर 4 3 से ये 12 हो गया, 2 7 हो गया, सो अपने को ये एट द एंड मिल क्या गया, नहीं ऊपर 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11 इंटू माइनस 32, ठीक है, अब इस पूरे को आप इंटू करोगे सो समवेयर द वैल्यू विल बी माइनस 96 96 096, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी वो सिक्स्थ टर्म में ये वैल्यू पड़ी हुई होगी जहाँ पे x इसके साथ इंटू नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाट अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अंडरस्टूड, फिर से आप समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, एंड आई बिलीव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया है कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन पे कंसंट्रेशन रखिए, करेक्ट, एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर दूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है, हमें पूछा गया था x माइनस 1/2x² अपॉन 15 का कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म, तो आपने सबसे पहले tr प्लस 1 निकाला, tr प्लस 1 के फॉर्मूला से n इज 15, 15 cr, x की जगह x है 15 माइनस r, y में आपका क्या है माइनस 2 अपॉन x² टू दी पावर r, फिर x की पावर को एक जगह कलेक्ट करना है, ठीक है, ये माइनस 2 पे r, ये 2x² 2r ऊपर गया तो ये 15 माइनस 3r हो गया, ये 15 माइनस r माइनस 2r, और कांस्टेंट टर्म ये 15 माइनस 3r को क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, तभी तो x नहीं होगा, तो r यहाँ से 5 आ गए, यानी सिक्स्थ टर्म, 5 प्लस 1 बोला तो सिक्स्थ टर्म, t6 बोलिए या और सिक्स्थ टर्म इज द कांस्टेंट टर्म, एंड इट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो मिली है इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 15C5 माइनस 2 पे पावर 5, इस पे तो करेंगे नहीं बिकॉज यहाँ पे डालोगे तो ये 5 डालोगे तो ये क्या होगा x टू द पावर 0 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए वहाँ हम डालते नहीं, जैसे कोफिशियंट में भी आपने देखा था, अभी आ गया 15C5 माइनस 2 होल टू द पावर 5, अब आप नाउ
यू एक्सपेंड 15C5 को NCR वाले फार्मूला से एक्सपेंड कीजिए, -32 इनटू है, पूरे को इनटू कीजिए, यू विल गेट -96096। ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। देखो एट द एंड समरी क्या हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ब्रेक किया था तो ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 और प्लस ये 1/x स्क्वायर आया था, तो ये जो 2 है ये वैल्यू है और ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम टर्म पता कर रहे हैं एज वेल एज वैल्यू पता कर रहे हैं कि वो टर्म की वैल्यू क्या है। तो जैसे यहाँ 2 है वैसे यहाँ 6 टर्म में ये इतनी वैल्यू वहाँ पे मिलेगी, -96096। ठीक है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ गेटिंग ऑफ सिक्स्थ इंडिपेंडेंट टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आप कॉन्स्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले टी आर प्लस 1 ढूंढते हैं, फिर पावर को एक जगह एक्युमुलेट करते हैं, फिर उसको इक्वेट टू 0 करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के कारण, एंड जो आर की वैल्यू आती है वापस जो वैल्यू आपने T6 जैसे 6 टर्म बना तो जहाँ जहाँ पे आर थी वहाँ वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड देन यू सिंप्लीफाइड, यू हैव आंसर -96096। करेक्ट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। ये भी कांस्टेंट टर्म का ही है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। दिस इज रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। ठीक है, इसका भी हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म बोलिए, और इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म उस एंड उसकी वैल्यू, टर्म तो पता लग जा ही लगी जाती है और वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी विल बी लाइक टी आर प्लस 1 करते हैं पहले, टी आर प्लस 1 आपको पता है बायनोमियल का, टी आर प्लस 1 कैसे निकालते हो, एक्स प्लस वाई होल एन का, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी आर प्लस 1 एट टर्म ऑफ एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का। ठीक है, इसका टी आर प्लस 1 यही होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। यहाँ पे एक्स रूट एक्स है, एन हमारा 10 है, 10 सी आर एक्स, एक्स इज योर रूट एक्स, 10 माइनस आर और वाई क्या है, माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर आर। ठीक है, दिस इज आर एन सी आर। अब हमारा दूसरा काम है एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट करना, सो 10 सी आर, यहाँ पे एक्स की पावर को क्या कर सकते हैं, ये रूट एक्स है तो 1/2 यानी 10 माइनस आर बाई 2 कर दिया, पावर टू द पावर, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो रूट 2 इंटू 10 माइनस आर, दैट इज कहने का मतलब ये एक्स पे पावर 1/2 है और फिर 10 माइनस आर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाई 10 माइनस आर बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, एंड यहाँ पे आप -1 का पावर बाहर ले लीजिए या -3 का भी पावर आर लिख सकते हो, एंड 3 टू द पावर आर अपॉन एक्स टू द पावर, पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाई, ये 2R हो गया। फाइनली एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट कीजिए, 10 सी आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2 और ये 2R इधर जाके माइनस हो जाएगा पावर, इंटू -1 टू द पावर आर इंटू 3 टू द पावर आर। ठीक है, अब ये पावर जो है x की, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म के लिए, क्योंकि हमने x का पावर एक जगह कलेक्ट कर लिया। सो नाउ विल मूव टू द कांस्टेंट टर्म, फॉर कांस्टेंट टर्म
और यू कैन से इंडिपेंडेंट टर्म क्या करना होगा, 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2 आर इस पावर को इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू। तो ये हो गया डेयर 10 माइनस आर माइनस 4 आर बाय 2 इक्वल्स टू 0। देयर फॉर 10 माइनस 5 आर इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 2, एंड देयर फॉर 5 आर इक्वल्स टू 10, एंड फाइनली आर इक्वल्स टू हमें 2 मिल गया। ठीक है, आर 2 आने से क्या पता लग गई कि थर्ड टर्म में कांस्टेंट टर्म मिलेगा और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ वाले एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू 2 डाल देंगे। ठीक है, सो वी केम टू नो दैट थर्ड टर्म इज कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म बोल सकते हो। थर्ड टर्म इज द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू, या T3 भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी लिख दिया तो भी चलेगा। सो 10 सी आर, आर की जगह पे ये आर की जगह पे क्या आ जाएगी अब 2। 10 सी 2 माइनस 1 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2। यहाँ पे माइनस 1 टू दी पावर 2 और 3 पे पावर 2 डाला। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, अगेन NCR का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। NCR दैट इज फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये अपना NCR का फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हम 10C2 ब्रेक कर लेंगे। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8, माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1 एंड 3, 9। 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 और ये 8 फैक्टोरियल इंटू 9। यहाँ से देखें आप, फैक्टोरियल 8 कैंसिल, 2 से 5 गया, 5 इंटू 81 इज 4045। 5 इंटू 81 405। सो थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट टर्म आया और उसकी वैल्यू क्या होगी 405। ठीक है, तो आपने स्ट्रेटेजी समझा, लास्ट 3 सम से आपको पूरी क्लैरिटी हो रही है कि कैसे क्या करना होता है। TR+1 टर्म निकालते हैं, x के पावर को एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर उस x के पावर को इक्वेट टू 0 करते हैं कांस्टेंट टर्म के लिए। ठीक है, फिर वहां से आप r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू ये 2 निकल के आई। मीन्स कहने का मतलब कि जो थर्ड टर्म होगा, क्योंकि TR+1 है, थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट टर्म और उसकी वैल्यू इस यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे आर की वैल्यू छोड़ते हैं, ये यहाँ पे इस वैल्यू के पास जहाँ जहाँ आर है वो डाल देंगे, एक्स पे नहीं डालेंगे क्योंकि एक्स पे डालोगे तो वो 0 ही होना है, एक्स टू दी पावर 0। तो हमने वो वैल्यू डाला एंड देन वी सिंप्लीफाई। ठीक है डियर, सो ये हमने कांस्टेंट टर्म देखा, हाउ टू कैलकुलेट द कांस्टेंट टर्म इन अ बाइनोमियल थ्योरम। और भी प्रॉब्लम पे आते हैं, लुक एट दिस, अगेन वी आर टेकिंग द नेक्स्ट सम, इसमें फिफ्थ सम लिया है हमने, 2x² माइनस 5/x होल टू दी पावर 9। इसका भी हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म, या आप इसको कह लीजिए इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म।
करेक्ट। तो फिर से व्हाट वी विल डू, विल राइट टी आर प्लस वन एट टर्म, टी आर प्लस वन एट टर्म। आपको मैं फिर से लिख के दूँ, टी आर प्लस वन एट टर्म का फॉर्मूला डेयर, जब एक्स प्लस वाई होल टू दी पावर एन हो बाइनोमियल एक्सपेंशन में, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर। ये होता हमारा जनरल टर्म या टी आर प्लस वन एट टर्म। इसके अकॉर्डिंग एन हमारा 9 है, सो 9 सी आर एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, 2x² टू दी पावर 9 माइनस आर। वाई क्या है, माइनस 5/x, माइनस 5/x टू दी पावर आर। नेक्स्ट स्टेज में एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट करेंगे, 9 सी आर टू टू दी पावर 9 माइनस आर सेपरेट कीजिए, इंटू ये आर है एक्स टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, पावर टू द पावर, पावर मल्टीप्लाई, सो 18 माइनस 2 आर इंटू माइनस 1 टू दी पावर आर लिखो, या माइनस 5 पे पावर आर। तो मैंने माइनस 1 को पावर आर सेपरेट किया, डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर आर, ठीक है, पावर टू द पावर। फाइनली अब आप एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट कीजिए, दिस इज 9 सी आर इंटू 2 टू दी पावर 9 माइनस आर, एक्स टू दी पावर 18 माइनस 2 आर, और ये आर ऊपर आया तो माइनस आर, इंटू माइनस 1 टू दी पावर आर इंटू 5 टू दी पावर आर। ये हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया एक्स का पावर 18 माइनस 3 आर। सो अब क्या करना है, फॉर कॉन्स्टेंट टर्म, फॉर कॉन्स्टेंट टर्म क्या करते हैं, आप इस एक्स के पावर को इक्वेट टू जीरो करते हैं। 18 माइनस 3 आर हुआ, इसको आप किसके इक्वल करते हैं, जीरो, तभी तो एक्स टू द पावर जीरो होगा, तो देर इज नो टर्म ऑफ एक्स। सो यहाँ से आर आप निकाल लीजिए, दिस इज 18, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स सेवेंथ टर्म में ये कांस्टेंट टर्म होगा और उसकी वैल्यू, तो आप इसको लिख लेंगे, देयरफॉर सेवेंथ टर्म इज द कांस्टेंट टर्म, इज द कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म। सेवेंथ टर्म इज द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू इज, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इस वाले लाइन इस एक्सप्रेशन पे, सो दिस इज इक्वल्स टू 9c6, आर की जगह 6 डाली, 2 टू द पावर 9 माइनस 6 इंटू माइनस 1 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए अपने एनसीआर वाले फॉर्मूला से, 9c6 ब्रेक होगा, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है एनसीआर का, ठीक है। सो इसके हेल्प से 9c6 ब्रेक की जाएगी, सो दिस इज गोइंग टू बी फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, ठीक है, इनटू ये 2 टू द पावर 3 हो गया, ये पॉजिटिव होगा, माइनस 1 का होल 6 पॉजिटिव 1 एंड 5 टू द पावर 6, इसको आप इंटू कर लेंगे, दिस इज प्रॉब्ली 15625 दिख रहा है इंटू करने के बाद। यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए इसको, फैक्टोरियल 9, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तक, और नीचे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 3 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 15625, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया डेयर, 3 से ये 3 गया, 2 से ये 4 गया, तो ये हो गया अपने पास 84 इंटू 8 इंटू 15625।
ठीक है, तो ये पूरे को आपको इनटू करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी 105, देन वी हैव 5 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द सेवेंथ टर्म। ये अपने को वैल्यू मिलेगी 105 एंड देन 5 जीरोस। इंटू करने के बाद यू जस्ट कैलकुलेट दिस, तो एग्जाम में भी आपको थोड़े इंटू करने पड़ेंगे। सो प्रैक्टिस कीजिए, जब घर पे आप सम बनाते हैं तो खुद से इंटू कीजिए एंड मैच द आंसर, ठीक है। सो आई थिंक ये भी क्लियर हुआ सम डियर, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे कर रहे हैं आप, गो थ्रू कीजिए क्विकली। टी आर प्लस वन लिया आपने, ठीक है, एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट किया, फॉर कांस्टेंट टर्म उस पावर को इक्वेट टू जीरो कर दिया, ठीक है, जहाँ से आर की वैल्यू 6 मिल गई, तो सेवेंथ टर्म कांस्टेंट टर्म हो गया, और यहाँ पे फिर इस जगह इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, आई बिलीव इतने दूर तक का कैलकुलेशन क्लियर हुआ आपको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम आई बिलीव क्लियर है, कॉन्स्टेंट टर्म निकालना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें भी आपने को ये कुछ प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ मिसलेनियस से, इनफैक्ट एडिशनल प्रॉब्लम यू कैन से। अगेन इसमें अपने को कांस्टेंट टर्म चाहिए। क्वेश्चन इज 2x³ प्लस 1/4x² होल टू द पावर 11। क्या चाहिए अपने को? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या और यू कैन से इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, या कह सकते हो नो टर्म ऑफ एक्स, ऐसे भी बोल सकते हो नो टर्म ऑफ एक्स। ये तीनों ही जो डिमांड है, द मीनिंग इज एक कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म या नो टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। सो अगेन हाउ वी स्टार्ट, वी स्टार्ट विथ टी आर प्लस वन एट, तो 11 CR, एन अपना 11 है, एक्स टू दी पावर एक्स हमारा 2x³ है, 11 - r इंटू वाई है 1/4x² होल टू दी पावर r। फॉर्मूला अपना NCR, किसके लिए लगाया ये फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई का होल एन, जिसके लिए टी आर प्लस वन का फॉर्मूला NCR, एक्स टू दी पावर n - r इंटू वाई टू दी पावर r। तो ये फॉर्मूला अब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको याद होता जाएगा और कई बच्चों को याद भी है। नाउ अब हमने क्या करना है, एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट करना है, तो 2 का पावर 11 - r पहले ये बाहर आया, एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 × 11 - r पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, सो 33 - 3 r अपॉन यहाँ पे हो गया 4 to the power r इंटू x to the power 2 r, ठीक है। अब ये पावर को एक जगह कलेक्ट कर लें, 11 CR 2 to the power 11 - r इंटू x to the power 33 - 3 r, और ये -2 r हो गया, ये -5 r हो गया, -3 r यहाँ थी और ये 2 r ऊपर गई, तो -5 r अपॉन 1/4 to the power r, ये अपने को मिल गया 33 - 5 r, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे केयरफुल रहना है कि ये 33 माइनस 5 आर मिली है, तो क्या अपने को इंडिपेंडेंट टर्म मिलने वाला है, ये अपने को समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है डियर। सो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि क्वेश्चन बराबर लिखा था हमने होल क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज 33 माइनस 5 आर को अगर इक्वल करोगे, ये यहाँ पे 33 हुआ माइनस 3 आर और ये आ गया एक्स वायर 2 आर, ये बन गया 33 माइनस 5 आर डी। तो अपने को चेक करना पड़ेगा इसमें क्या मिडिल टर्म मिल सकता है अपने को, क्योंकि व्हेन यू इक्वेट टू जीरो सो आर हमें एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं मिलेगा, तो 33 तो डिविजिबल नहीं है 5 से, ठीक है। सो देर विल बी सम चेंज इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन की वैल्यूज में कुछ चेंज दिख रही है, तो वो वैल्यू क्या होगी विल चेक, क्योंकि 33 माइनस 3 आर और ये माइनस ये हो गया, ओके 4 टू दी पावर आर नो। सो इन दिस सिचुएशन जब हम कांस्टेंट टर्म करने जाएंगे, फॉर कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे आप, 33 माइनस 5 आर को इक्वल टू जीरो करेंगे, ये 5 आर इक्वल टू 33 आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 33/5, जो अपने को एक होल टर्म नहीं देगा, होल नंबर नहीं मिल रहा है। टर्म हमेशा होल नंबर होती है, इनफैक्ट नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर की जगह आप इसको नेचुरल बोल सकते हो, नेचुरल नंबर होता है टर्म। सो आर इक्वल्स टू 33/5 इज एब्सर्ड, रॉन्ग है, यानी इस एक्सपेंशन में देर इज नो इंडिपेंडेंट टर्म, देर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म, इस बाइनोमियल में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मिलेगी, नो कॉन्स्टेंट टर्म और नो इंडिपेंडेंट टर्म, एक ही बात हो, कॉन्स्टेंट टर्म ही लिख दो आप। सो इस बाइनोमियल में हमें कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं मिलेगी या कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, 2 to the power 11 minus r, x की 2 to the power 11 minus r हुआ, ये x का पावर 33 minus 3 r, नीचे से ये x टू दी पावर 2 r ऊपर गया, तो 33 minus 5 r, उसको आप इक्वल टू जीरो करोगे तो r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। r क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, टर्म हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो इस बाइनोमियल में वी डोंट हैव कॉन्स्टेंट टर्म, करेक्ट, अंडरस्टूड। सो इस तरह के प्रॉब्लम में ऐसी भी सिचुएशन होगी व्हेन यू डोंट हैव कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए, क्योंकि आर की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन जब हुआ तो टर्म एग्जिस्ट नहीं होगा, क्लियर। गो थ्रू कर लीजिए, एक्स के पावर को देखिए, 33 माइनस 5 आर आएगी, और जब इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है, करेक्ट। Now look at this. Next situation देखते हैं, I think it is clear. जब r की value fraction हो जाएगी तो there will be no constant term. Next sum देखते हैं, हमारे पास expansion है dear, 2x plus 1 by root x. (2x + 1/√x)^15 है, ठीक है। इसमें हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म। तो जितने भी मेथड अपने पीछे किया है वही मेथड से स्ट्रेटजी से बढ़ेंगे आप। सबसे पहले (tr+1) ब्रेक करेंगे, (tr+1) एक टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो 15 सी आर, फॉर्मूला लिख दो फिर से, (x + y)^(n) का (tr+1) होता है (nCr)(x^(n-r)(y^(r). ये अपने को फॉर्मूला क्लियर है, (tr+1). सो 15 सी आर, एक्स हमारा 2x है, दिस इज 2x (2n-r)y
वाई है हमारा 1 बाई रूट एक्स, इसको आप एक्स टू दी पावर 1/2 लिख दीजिए, टू दी पावर आर, ठीक है। अब आप एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट करते हैं, 15 CR 2 टू दी पावर, 2 के पावर को अलग कीजिए, नंबर है 15 माइनस आर, एक्स की पावर यहाँ हो गई 15 माइनस आर इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर, ये कितना हो जाएगी, पावर टू द पावर r/2। फाइनली अब एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, 15 CR 2 टू दी पावर 15 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस आर माइनस r/2, या r/2 ऊपर गया तो ये माइनस हो गया डेयर यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म अब क्या करते हैं, इस पावर को इक्वेट टू जीरो करेंगे एक्स के पावर को, सो 15 माइनस आर, आर माइनस आर बाई टू कितना हो गया, 3 r/2, 15 माइनस 3 r/2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये 2 है। इसको फिर से क्लियर से लिखता हूँ, अगर कन्फ्यूजन होता है कई बच्चों को, तो दिस इज 15 r - 3 r/2, ये आ गया 3 r/2, ठीक है, r माइनस आर माइनस आर बाई टू, यहाँ से डियर 3 r/2 इक्वल्स टू 15, तो r इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकल आएगा डियर, r विल बी 10, r यहाँ से 10 निकाल लेंगे आप, दैट मीन्स 11th टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा अपने को, सो वी यू कैन राइट therefore 11th term is the constant term, 11th term constant term hoga jahan pe x nahi hogi, that is the meaning of constant term, and its value is, value kahan pe dalenge aap, yahan pe dalenge, is wale is stage pe dalte hain aap, to yahan pe ho gaya 15 c 10, 15 C 10, 2 to the power 15 minus 10, 15 जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर 10 डालिए, 15 minus 10, और x पे तो डालेंगे नहीं क्योंकि x पे पावर उतना डालोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, x टू दी पावर 0, ठीक है। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 C 10, और इसको सिंप्लीफाई करने पे सी व्हाट इज द आंसर यू विल गेट, 2 to the power 5, 15 minus 10 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 5, 2 to the power 5, यहाँ से आप इसको आप सिंप्लीफाई करें डियर, यहाँ से आपका ये होमवर्क का पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करके देखें, द आंसर विल बी नथिंग बट 9 6 0 9 6, ये मिलेगा आंसर, दिस ऑल ऑफ यू हैव टू चेक डियर, या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब आप इनफ एक्सपर्ट हो गए हैं इस तरह के फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने के लिए, NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r का फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से ये 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 9 6 0 9 6, ठीक है, दिस यू हैव टू ट्राई, आप ये सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि एट द एंड आपको ही सिंप्लीफाई करना है सारे वैल्यूज इनटू वगैरह। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमें कॉन्स्टेंट टर्म क्लियर हो गया कैसे करना था, NCR ये फॉर्मूला TR+1th, एक्स के पावर को आपने एक जगह कलेक्ट किया, ठीक है, उसको इक्वेट टू कॉन्स्टेंट टर्म के लिए इक्वेट टू जीरो किया, यहाँ से अपने को R की वैल्यू 10 मिल के आ गई, 10 आ गई यानी ये 11th टर्म हो गया, 11th टर्म इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, और उसकी वैल्यू जहाँ पे R है वहाँ पे 10 डाली, 15 C 10 2 to the power 15 minus 10, and then you simplify it.
ठीक है डियर। सो इस तरीके से यू हैव कैलकुलेटेड द कॉन्स्टेंट टर्म। सो इतने प्रॉब्लम्स करने के साथ ये आपको अब एनालिसिस करना है योर सेल्फ कि हमें कॉन्स्टेंट टर्म निकालने की स्ट्रैटेजी क्या क्या हो गई। सबसे पहले आप टी आर प्लस वन निकालते हैं, फिर एक्स के पावर को एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं। जब एक्स की पावर एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है उस पावर को इक्वल टू जीरो करते हो। इक्वल टू जीरो करने के बाद आर की वैल्यू निकलती है और आर की वैल्यू आप टर्म में डाल दें तो वो अपने को कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पार्ट आप केयरफुली करें। एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक एक्सपेंशन और है जिसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, रूट एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोल दीजिए या इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करना है। इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। सो ये रूट टू अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको बराबर लिख देते हैं। फाइन, तो अगेन द सेम स्ट्रैटेजी, टी आर प्लस वन एच निकालेंगे, दैट इज 10 सी आर एक्स यानी रूट एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, 10 माइनस आर वाई, वाई इज माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड टू दी पावर आर, ठीक है। अपने टी आर प्लस वन वाले फॉर्मूला से फिर से लिख दूं क्या टी आर प्लस वन, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये फॉर्मूला याद हो ही चुका है, नहीं तो आप याद कर लेंगे। टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर, ठीक है। इस ये जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है इसके फॉर्मूला के हेल्प से। नाउ 10 सी आर एक्स की पावर को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, पावर टू द पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस आर बाई टू, क्योंकि अंदर एक्स पे पावर 1 बाई टू है, 1 बाई टू इंटू 10 माइनस आर इज 10 माइनस आर बाई टू। यहाँ पे इसको माइनस वन पे आर अलग कर लीजिए एंड टू पे आर अलग कीजिए, नीचे हमारा हो गया एक्स पे टू आर। अब एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, 10 सी आर, दिस इज 10 सी आर एक्स टू दी पावर 10 माइनस आर बाई टू माइनस टू आर इंटू माइनस वन टू दी पावर आर इंटू टू टू दी पावर आर। अब ये हमारा एक्स का पावर एक जगह कलेक्ट हो गया डियर, ये दिस मच, ये अपना एक्स का पावर है। अब इस एक्स के पावर को क्या करना है, फॉर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो, फॉर कांस्टेंट टर्म व्हाट वी हैव टू डू, 10 माइनस आर बाई टू माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म के लिए। नाउ विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, सो 10 माइनस आर माइनस फोर आर अपॉन टू, अपॉन टू कर दीजिए, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 10 माइनस फाइव आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, टू इधर गया, तो यहाँ से अपने को 5R इक्वल्स टू 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R इज 2, यार अपने को 2 मिल गया। दैट मीन्स थर्ड टर्म में कांस्टेंट टर्म होगा, R इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डालेंगे तो, करेक्ट, तो थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म बनेगा। देयरफॉर थर्ड टर्म इज द कांस्टेंट टर्म, या आप उसको इंडिपेंडेंट टर्म भी कह सकते हैं,
थर्ड टर्म इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल देंगे इस एक्सप्रेशन में आप आर की वैल्यू डाल देते हैं, करेक्ट. सो टेन सी टू, एक्स पे तो डालेंगे नहीं, एक्स पे आप टू डालिएगा तो देखिए जीरो हो जाएगा, करेक्ट. यह आ गया माइनस वन टू दी पावर टू. एक्स पे पावर जीरो आने का मतलब वन हो गया, वो कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो एक्स के पावर पे नहीं डालते हैं, इसी के पावर को हमने इक्वल टू जीरो किया है ना. हर एक सम के अंदर आप देख रहे हैं ये चीज, एंड दिस इज टू टू दी पावर टू. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो दैट इज फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 8. फिर से फॉर्मूला एन सी आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर. ये फॉर्मूला से ब्रेक किया जा रहा है हमेशा, ये फैक्टोरियल एड एन सी आर का फॉर्मूला इंटू, ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये 4 आ गया. इसको आगे ब्रेक कर दीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप कीजिए क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल है. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 4. सो 8 और 8 गया, 2 और 2 गया, ये 180 इज द इंडिपेंडेंट टर्म. ठीक है, सो थर्ड टर्म कॉन्स्टेंट टर्म निकला और इंडिपेंडेंट टर्म कितनी हो गई, 180. चेक इट, फिर से देख लो. टी आर प्लस वन निकाला आपने, एक्स के पावर को एक जगह कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसको इक्वेट टू जीरो कर दिया आपने, फिर आर की वैल्यू निकल आई विच इज टू. तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, और उसकी वैल्यू आप इस जगह टेन सी टू, वहां पे टेन सी आर जो अपने यहां लिखा होता है वहां डालते हैं, एक्स पे नहीं डालते हैं, एक्स पे डालोगे तो जीरो ही होगा. कई बच्चे डाल देते हैं तो एक्स टू आर जीरो डालने पे तो वन ही आना है ना वहां पे. ठीक है, एंड देन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वांटिटी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 180 इज द आंसर, यानी कॉन्स्टेंट टर्म हमारा 180 उसमें दिखेगा. उस बाइनोमियल को जब आप ब्रेक करोगे, इस बाइनोमियल को अगर आप ब्रेक करोगे तो थर्ड टर्म में, जब इसका थर्ड टर्म आएगा तो वहाँ पे अपने को एक्स का टर्म नहीं मिलेगा, वहाँ केवल मिलेगा प्लस 180. दैट इज द सेंस. यही हम तब से सीख रहे हैं कि वेयर इज द कॉन्स्टेंट टर्म. तुमने टर्म पता किया, थर्ड टर्म मिला, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 180 है. ठीक है, माय डियर. चलिए अब आप एक तीन सम ले लीजिए होमवर्क में जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और पोस्ट इट टू ग्रुप होमवर्क. कांस्टेंट टर्म पे होमवर्क है आज, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म बोल दीजिए, कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन तीनों के आपको कांस्टेंट टर्म निकालने हैं. डियर एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 6, ठीक है, कांस्टेंट टर्म. फाइंड द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x होल टू दी पावर 12, इसका भी हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है. फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म भी लिख सकता हूँ मैं, कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं आप. फाइंड द कांस्टेंट टर्म एंड इट्स वैल्यू. थर्ड वन, 3x स्क्वायर बाई 2
माइनस वन बाई थ्री एक्स टू दी पावर 9। इसका भी हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म। करेक्ट। सो ये आप तीनों क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल गेट द आंसर ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इनके आंसर्स भी लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट का आंसर आंसर भी रहेगा तो आपको क्या होगा, क्या कन्वीनियंट होगा। द आंसर ऑफ द फर्स्ट इज 20। सेकेंड का आंसर भी लिख लीजिए, इसका आंसर अपने को मिल रहा है, सेकेंड वन वी आर गेटिंग 495 बाई 256। और थर्ड का आंसर है अपने पास -7/80। ठीक है, ये आपके तीनों के आंसर भी हो गए। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर मैच करने हैं आपको। ठीक है, फाइन डियर। सो आज आप कांस्टेंट टर्म पूरा कंप्लीट करें, इंडिपेंडेंट टर्म। सो इन नेक्स्ट क्लास वी हैव मिडिल टर्म और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम विल डिस्कस। और ये आज तीनों ही सम आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू दिस होमवर्क टूडे इटसेल्फ। आज के आज ही करें एंड पोस्ट द आंसर। फाइन डियर, चलो, थैंक यू।